हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। काउंसलिंग कैसे होगा और काउंसलिंग कितने राउंड में होंगी, ये सारी बातें हम आज को बताने वाले हैं। और काउंसलिंग से आप लोग कॉलेज लेना चाहते हो और आपको एक अच्छा गवर्नमेंटेड कॉलेज लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको स्क्रीन पर ये काउंसलिंग लेटर क्या है सॉरी जो काउंसलिंग जो शेड्यूल है वो शो हो रहा होगा। ऊपर आपको क्या शो हो रहा है, काउंसलिंग शेड्यूल आपको यहाँ पर शो हो रहा है 2022 का, क्या 2022 का काउंसलिंग लेटर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2000 क्या है, इस फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक। हम आपको बता दें इस्टूडेंट, हम इस वीडियो में यही बताना चाहते हैं आप लोग को, जो अगर आपको ये बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट राउंड में जितने कॉलेज च्वाइस कर लोगे, फर्स्ट कॉलेज में आप जितने कॉलेज च्वाइस कर लोगे, अगर मैं मान लो अगर फर्स्ट राउंड में आपने 10 कॉलेज च्वाइस किया, कितने कॉलेज किया, अगर आप फर्स्ट राउंड में 10 कॉलेज च्वाइस अगर आपने कर लिया तो सेकेंड राउंड में भी आप 10 ही वही कॉलेज रहेगा, आप एक्स्ट्रा कोई इसमें ऐड नहीं कर सकते। क्या स्टूडेंट, एक्स्ट्रा आप इसमें कोई ऐड नहीं कर सकते। स्टूडेंट मैं बता दूं, ये रूल 2021 से बना हुआ है, ये रूल 2021 से आया है। जब मैं 2019 में एक बार एग्ज़ाम मैं दोस्त दिया था उस टाइम क्या था, उस बार 3 राउंड काउंसलिंग होता था और आप कोई भी कॉलेज कभी भी चुन सकते थे। लेकिन 2022 रूल क्या बना, रूल यही बना कि जो फर्स्ट अगर आप फर्स्ट राउंड में 5 कॉलेज चुनते हो, 15 कॉलेज चुनते हो, 20 कॉलेज चुनते हो, कितना भी कॉलेज अगर चुन लेते हो तो वही जितने कॉलेज चुने रहोगे उसी कॉलेज में से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा और वही कॉलेज आपको 3 राउंड तक जाएगा, थर्ड राउंड तक आपको वही कॉलेज जाएगा। स्टूडेंट आगे मैं बात करूँ, आगे देखो स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड क्या लिखा है, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन ऑन क्या लिखा है, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टूडेंट, क्या यूपी स्टेट, यानी कि फर्स्ट राउंड में वही स्टूडेंट भाग लेंगे जो यूपी से होंगे। ये काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है आज यानी 7 तारीख 9 महीना 2022 से 9 सितंबर तक ये काउंसलिंग होगा। इसकी क्या हो, लिंक ओपन रहेगी। नेक्स्ट इसकी च्वाइस फिलिंग क्या होगी, च्वाइस फिलिंग आप आज ही करोगे या आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप इस च्वाइस फिलिंग भी करोगे। इसकी सेट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है इसका रिजल्ट कब आएगा, तो हम बता आपको ये आप लोग थर्ड नंबर पर देख सकते हो, इसका रिजल्ट आएगा 10 सितंबर को। कब आएगा स्टूडेंट, 10 सितंबर को आएगा। कब आएगा, 10 सितंबर को आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ स्टूडेंट, इसे मैं नेक्स्ट आपको बताऊँ, देखो नेक्स्ट आपका यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ लिखा है ऑनलाइन फ्रीजिंग फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट फॉर ऑल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली, क्या ओनली फॉर फ्रीजिंग कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है, अगर आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसकी लेटर जब निकलवाओगे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलवाओगे जब आप, तो आपको फ्रीजिंग कराना पड़ेगा। जब फ्रीज करा लोगे तो आपका लेटर निकल जाएगा। अगर आप फ्लोट करा दो कि अगर फ्लोट कराओगे तो आप नेक्स्ट राउंड में आप चले जाओगे। इसलिए स्टूडेंट, अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल गया है तो आप फ्रीज करा दीजिएगा और आपको जाकर उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जैसे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम यहाँ बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टूडेंट यहाँ आपको टाइम देखने को मिल रहा है। टाइम क्या बताया गया है, यहाँ देखो स्टूडेंट टाइम क्या, हमारा 11 सितंबर से 13 सितंबर शाम 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होता है। हम बता दें स्टूडेंट, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आओगे, क्या जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे उसी दिन जीकप का जितना फ़ी होता है ना स्टूडेंट, 10,000 कुछ रुपया होता है, 10,730 रुपये आई नो इतना है हमारे ख्याल से होता है, 10,730 रुपये होता है। तो यही 10,730 रुपये है स्टूडेंट वो आपको पेमेंट करना पड़ता है, कितना 10,730 रुपये आपको पेमेंट तत्काल करना पड़ता है जिस दिन आप काउंसलिंग सॉरी जिस दिन आपको सीट अलॉटमेंट यानी जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा के आओगे। इस आगे मैं बात करूँ, आगे स्टूडेंट देखो आगे क्या लिखा है, फर्स्ट राउंड आगे लिखा हमारा, फर्स्ट राउंड से स्कूटनी फी 3,000 डिपॉजिट
बाई फ्लोट कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट भी डिपॉजिट बाई द फ्रीजिंग कैंडिडेट थ्रू दी ईयर लॉग इन। क्या लिखा है इसका मतलब, कहने के मतलब है कि अगर आप फ्लोट कराते हो तो आपको स्कूटनी की तरफ से, यानी कि अगर आप फ्लोट करा दोगे तो आपको वही सीट अलॉट रहेगा, इसके लिए आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है पहले। इसमें मैं बता दूँ जो 3,000 है वो आपके 10,730 रुपये में से 3,000 कट जाते हैं जब पेमेंट करते हो। तो ये आपको डरना नहीं है, ये आपकी कोई फालतू फी नहीं ली जा रही है 3,000, ये आपकी उसी फीस में से आप क्या होगा कट जाएगा, ये आपके सीट जो अलॉट है उसी के लिए लिया जाता है। इसमें आगे आपको सेकेंड राउंड आया जाएगा, तो सेकेंड राउंड बता दूँ इसमें अगर आपने फर्स्ट राउंड में 10 कॉलेज चॉइस कर लिया तो आपको लास्ट क्या बताऊँ 3 राउंड तक, क्या थर्ड राउंड तक आपको यही 10 कॉलेज में से ही कोई कॉलेज मिलेगा। आप इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, क्या अगर आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, कोई भी एक्स्ट्रा कॉलेज आप प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसलिए मैं बता दूँ आपको फर्स्ट राउंड में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज का चॉइस करना, और कम से कम मैं बता दूँ कम से कम आप लोग अपने मन से देख लेना, अगर आपकी रैंक अच्छी खासी है, यानी कि 10,000 से कम है, 5,000 से कम है, आप टॉप कॉलेज की चॉइस करना और अच्छे कॉलेज इसमें क्या करना काउंसलिंग में डालना, ठीक है। इसलिए बता दूँ आपको अगर आपकी जो आपका रैंक है अगर वो 20,000 प्लस है, कितना 20,000 प्लस है स्टूडेंट, तो आप लोग कम से कम 20 से 25 कॉलेज जरूर डालना। 20,000 है तो कम से कम 20 से 25 कॉलेज डाल देना, क्योंकि आगे आपको थर्ड राउंड तक आप कोई भी इसमें कॉलेज एंटर नहीं कर पाओगे, यानी कोई भी कॉलेज और नहीं डाल पाओगे। इसलिए इसमें आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज डालना है और अच्छे से अच्छे आपको काउंसलिंग कराना है। तो आई नो आपके लोग सीख गए होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ना स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, जब मन हो तब क्या हमेशा 9369183507 काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी करो, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, कुछ भी, मैं हर एक टाइम आपका रिप्लाई दे दूंगा, आपका कॉल रिसीव कर लूँगा और आपको मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज के बारे में बता दूंगा। तो स्टूडेंट यही थी हमारी वीडियो, यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप अच्छे कॉलेज की चॉइस करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।